Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to have some discussion about household insects. और इसमें three basic sub topics further हैं जो आप detail से discuss कर रहे होंगे. आज हम कोशिश करेंगे कुछ modern insects या examples कुछ पढ़ लें. Insects affecting human health. और कुछ ऐसे insects भी बाद में पढ़ेंगे जो damage, food damaging होते हैं या storage जो हमारा stored food है उसको damage करते हैं. और some insects which damage other households other than the food उनको भी हम पे last पे जो है वो discuss कर रहे होंगे. तो पहले part की तरफ move करते हैं. ये आपके जो contents हैं, इन contents में से ये household insects का topic यहाँ पे included है. Well, इसमें cockroaches की discussion करेंगे, house flies, mosquitoes, बाकी जो ह्यूमन लाउस है और बेड बग्स है इसको भी आप नोट से जो है वो कवर करेंगे साथ साथ. ये कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोस, ह्यूमन लाउस और बेड बग्स. इसके अलावा भी गिवन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, इनको आपने लाजमी जो है वो कवर करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉकरोचेस को. यू नो द किंगडम इज एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा एंड सुपर ऑर्डर इनका डिक्टाइप्ट्रा. क्लासिफिकेशन की डिटेल थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है. ऑर्डर ब्लैटाइडिया, और भी ऑर्डर्स हैं इनके लेकिन मेन जो है वो ऑर्डर इनका ब्लैटाइडिया है जिसमें हम कॉकरोचेस की बात करते हैं. बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो बाकी इंसेक्ट की तरह थ्री बॉडी रीजंस, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन. थॉरिक्स के ऊपर जो कवर आया है दैट इज प्रोडोटम और शील्ड. इसके अलावा इनके जो एनल सिरसाए है वाइब्रेशन डिटेक्शन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. एंटीने, इनके ऊपर कई किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. वेल, कॉकरोचेस की अगर लाइफ साइकिल की डैमेजेस की बात की जाए कि किस तरह के डैमेजेस कॉज करते हैं तो मेन तो ये डिजीज कैरियर है. डिजीज कैरियर, डिजीज वेक्टर, ये टर्म्स आपने पढ़ी हुई है. कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कैरियर एंड अ वेक्टर? कैरियर और वेक्टर में डिफरेंस कीजिए प्लीज. We were discussing damages caused by cockroaches. के cockroaches carrier है for typhoid fever, cholera, leprosy, gastroenteritis यानी inflammation of stomach or inflammation of intestine. इसमें gastroenteritis उसकी भी एक common cause है. Salmonellosis, it's a type of food poisoning. इसमें salmonella bacteria basically food poisoning cause कर रहे होते हैं. उसकी भी transmission की basic cause इनको समझा जाता है. Dysentery और कंपाइलोबैक्टीरियोसिस. कंपाइलोबैक्टीरिया इज अनदर बैक्टीरिया व्हिच इज कंसर्न्ड विद फूड पॉइजनिंग. तो उसकी भी बेसिक कॉज है वो इनको समझा जाता है. एज फार एज द लाइफ साइकिल इज कंसर्न्ड तो इनमें इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल है. लाइक एग लार्वा प्यूपा की स्टेजेस की बजाय इसमें आप निम्फ स्टेज देखते हैं. एग के बाद निम्फ बनेंगे जो कि एडल्ट से रिजेंबल कर रहे होते हैं लेकिन इनमें भी विंग्स डिवेलप नहीं हुए होते. ये निम्फ की डिफरेंट स्टेजेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्टेज 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट. और ये एडल्ट बॉडी है उसकी. और एडल्ट इनके जो नंबर ऑफ एग्स है और इनके जो ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज बट यूजुअली दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स एट अ टाइम. और फिर इसकी प्रिवेंशन या कंट्रोल की अगर हम बात करें कॉकरोचेस की तो सिंपली सबसे पहले तो ये कि हाइजेनिक मेजर्स अडॉप्ट की जाए. फूड आइटम्स है या लिक्विड आइटम्स है, सॉलिड आइटम्स है, उनको जो है वो कवर करके रखा जाए. क्लिंजिंग, जो आपके यूटेंसिल्स हैं उनको जो है वो कवर रखे या फिर साफ रखे. खासतौर पे जो डस्टबिन वगैरह है उनको कवर, डस्टबिन को डेली बेसिस पे जो है वो खाली करना चाहिए. इसके अलावा जो सेवेज पाइपलाइंस है उनकी जो ओपनिंग्स है स्पेसिफिकली या उनकी जो लीडिंग ओपनिंग होती है उनको या तो कवर्ड रखे प्रॉपरली और उसकी क्लिंजिंग का भी खास ख्याल रखे. केमिकल कंट्रोल के हवाले से अगर इनको देखें तो डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कॉकरोचेस को किल कर सकते हैं या इनको, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. एवरमेक्टिन है, बोरेट्स के कुछ केमिकल्स है, क्लोराडीन मेंशन है, सोडियम फ्लोराइड विद पायरेथ्रम पाउडर इसको यूज किया जाता है. फिर हाउस फ्लाइज है हमारे पास नेक्स्ट. ये भी जाहिर है आर्थ्रोपोड्स है और इनका ऑर्डर है डिप्ट्रा. डिप्टरन फ्लाइज इनको बोला जाता है. और जो कॉमन हाउस फ्लाई है इट इज मस्का डोमेस्टिका.
बाकी इंसेक्ट्स की तरह इनके भी थ्री बॉडी पार्ट्स, और ग्रे थॉरेक्स विद फोर ब्लैक स्ट्रिप्स, कंपाउंड आईज, एंटीने हेड, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक इनके अदर इंसेक्ट्स से रिजेंबल करेंगे. दे आर ऑल्सो नाउन टू द कैरियर ऑफ वेरियस डिजीजेस सच एज कॉलरा, कंजक्टिवाइटिस, इसके अलावा डायसेंट्री है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, साल्मोनेलोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड. ये इसके जो कॉमन कॉजेज हैं बैक्टीरिया उनको ट्रांसफर करने के कॉमन सोर्सेज समझा जाता है. और लाइफ साइकिल में इनका कंप्लीट लाइफ साइकिल आप देखेंगे 100 से 150 एग्स ले करते हैं एट अ टाइम एडल्ट हाउस फ्लाई, और उसके बाद लार्वल स्टेज डेवलप होगी. इनके लार्वी को एक स्पेशल नेम दिया जाता है, वो आपने लाजमी याद रखना है, पूछा भी जा सकता है. देयर लार्वी आर नाउन एज मैगट्स, इनके लार्वी को मैगट्स को बोला जाता है. फर्स्ट लार्वल स्टेज, सेकेंड लार्वल, थर्ड लार्वल स्टेजेस यहाँ पे शोन है विद डिफरेंस इन देयर साइज. और फिर जो नॉन मोटाइल स्टेज इनमें डेवलप होती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल दैट इज प्यूपा. प्यूपा चेंजेस इनटू द एडल्ट बॉडी फॉर्म लेटर ऑन. और इनके अगर कंट्रोल की बात की जाए तो थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल मेथड दे आर यूज्ड टू सप्रेस हाउस फ्लाइज. इसमें सबसे पहले कल्चरल है, देन बायोलॉजिकल, और फिर केमिकल. बायोलॉजिकल कल्चरल में तो ये हो जाएगा कि हाइजेनिक मेजर्स या जो आप कह लें कि जो हाउस फ्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए कर्टन्स का यूज, या फिर आप कह लें क्लींजिंग, हाइजेनिक मेजर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अडेप्ट करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना. बायोलॉजिकल में इनके पैरासिटिक वैस्प्स हैं और फायर आंट्स जो कि इनके ऊपर फीड करती है. ये सब सॉर्ट ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, दे ऑल्सो फीड ऑन द हाउस फ्लाई, उनको भी एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है सर्टेन पॉइंट्स पे. केमिकली जो है वो डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जो आपने पहले केमिकल्स पढ़े उनसे रिलेटेड भी उनको भी यूज किया जा सकता है. इसके अलावा ज्यादातर हाउस फ्लाइज के लिए पायरेथ्राइड बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स, और दिस प्रोडक्ट कैन बी परचेज एट ग्रोसरी एंड हार्डवेयर स्टोर्स. बी श्योर टू रीड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस कि जो केमिकल्स जाहिर है पॉइजन होते हैं तो उनके हवाले से इस चीज का ध्यान रखा जाए. फिर थर्ड जो ग्रुप है वो है मॉस्किटो. मॉस्किटो क्लासिफिकेशन जाहिर है बाकी इंसेक्ट्स की तरह ये भी एनिमिली आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा. ऑर्डर जो है वो मॉस्किटो का ये है डिप्ट्रा. डिप्ट्रन फ्लाइज में आते हैं ये भी, और क्यूलिसिडी फैमिली इनकी, एनोफ्लीज, एरीज, क्यूलिक्स ये कॉमन जेनरा है. इसके अलावा भी इनकी जेनरा है जो कि मॉस्किटोस के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट दीज आर रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट विद रेफरेंस टू द डिजीज वैक्टर. एनोफ्लीज के हवाले से आपने पढ़ा हुआ है वो मलेरिया में, एडीज ये डेंगी वायरस के हवाले से इंपॉर्टेंट, और क्यूलिक्स एनिमल्स में जो मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है. लाइफ स्टेजेस में जो दो स्टेजेस आपको नजर आ रही है इसमें ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है कि जो वाटर के अंदर इनकी स्टेजेस कम्प्लीट हो रही है, और व्हाइट कलर इस चीज की इंडिकेशन है कि वो स्टेजेस जो कि इनकी कम्प्लीट होती है अदर देन वाटर या होस्ट दूसरे होस्ट के अंदर. सबसे पहले एक्स स्टेज से हम देखें तो इनके जो है वो लार्वी डेवलप होंगे. देयर लार्वी दे आर यूजुअली लिविंग इन द वाटर, और उसके बाद पीपल स्टेज विच इमर्जेस इनटू द एडल्ट. ये आमतौर पे फिल्टर फीडर होते हैं वाटर के अंदर जो है वो वाटर के कंटेंट्स को यूज करते हुए फीड कर रहे होते हैं. और एक मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल है जनरली मेल मॉस्किटो का लाइफ स्पैन थोड़ा होता है 7 to 10 days, फीमेल मॉस्किटोज they can survive up to 21 or even more than 21 days because they have to carry out the next generation as well. Egg unhone jo hai wo lay karne, aur adult female mosquito hi jo hai wo important vector hote hain because they require protein for the rearing, for the growth of their eggs. That's why wo blood feeding parasite bhi aap sirf female mosquitoes ko hi dekhenge. Aur inko major killers consider kiya jata hai humanity ka. They are considered as one of the deadliest animals as compared to other animals. Yahan pe isko is diagram ke through, is stat ke through aap dekh sakte hain ki mosquito list mein maujood dusre animals se zyada jo hai wo area cover kar rahe hote hain being deadliest. Aur ye deadliest kaise hain? By carrying various disease parasites to the human, uske through ye jo hai disease cause karte hain. बाकी इंसेक्ट्स की तरह इनमें भी बॉडी पार्ट्स तो थ्री ही होंगे,
और banded abdomen ये vary कर सकता है depending upon the species of mosquito. Head, thorax और abdomen के अलावा इसमें antennae, maxillary palps, इसके अलावा proboscis. इनका important adaptation ये है कि during blood feeding जब ये पंक्चरिंग करते हैं तो अपना स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के साथ जो है इनकी प्रोबोसिस कनेक्टेड होती है और उस स्लाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट मौजूद होगी. एंटीकोगुलेंट जब ये सिक्रीट कर रहे होते हैं तो मीनवाइल उसी दौरान ये पैरासाइट्स को भी इंजेक्ट करते हैं, सच एज मलेरियल पैरासाइट्स और अदर वायरसेस, डेंगू वायरस, उसी इंजेक्शन के दौरान ये इंजेक्ट कर रहे होंगे. इनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसेक्ट के हवाले से कि हम ये देख सकें कौन सी स्टेज पे हम किस टाइप का कंट्रोल अडेप्ट कर सकते हैं. तो ये जो मॉस्किटो कंट्रोल एजेंट्स हैं इनके किसी भी स्टेज पे, लार्वल स्टेजेस पे या एडल्ट स्टेजेस पे, इनको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय अडेप्टिंग दीज मेजर्स लाइक रिपेयरिंग ऑफ लीकी फॉसेट्स के आपके जो वाटर की लीकेज कहीं पे है, गेट रिड ऑफ यूज्ड टायर्स वहां पे वाटर अगर स्टोर्ड है, अगर कहीं बर्ड का कोई बात बनाया हो तो उसको जो है वो रैपिडली चेंज करते रहे, स्क्रीन और कवर, रेन बैरल्स, स्टोर, व्हील बॉरोस, कैनोज, अपसाइड डाउन, मतलब जहां पे कोई भी ऐसी चीज जहां पे वाटर स्टोर हो सकता है उसको जो है वो अवॉइड करें, रिमूव यूज कंटेनर्स एंड बॉटल्स फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, क्लीन ओवरग्रोन पॉन्ड्स एंड स्टॉक विद फिश वहां पर भी जो है इनकी तादाद ज्यादा हो सकती है, क्लीन आउट लीफ क्लॉग्ड लिटर्स वहां पे मौजूद हो सकते हैं. So that was all about these three insects. इसके अलावा जो बाकी दो insects हैं, human louse और bed bugs, इनको भी आप cover करेंगे household insects के हवाले से from the notes. यहाँ तक अगर कोई question है आपके mind में तो please आप लोग question कीजिए.